हमें मेवाड़ नरेश की ओर से शांति प्रस्ताव मिला है, तो बताइए कौन करेगा बात शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ। हम मेवाड़ के महामंत्री हैं, आपके शहंशाह से शांति वार्ता हम करेंगे। अच्छा, आप बात करेंगे, मजाक तो नहीं कर रहे हैं आप। एक मंत्री बात करेगा शहंशाह हिंद से, और वो भी शांति प्रस्ताव के लिए। यदि कोई शहंशाह से बात कर सकता है तो सिर्फ राजा और कोई नहीं। मेवाड़ नरेश निश्चित रूप से शांति वार्ता के लिए आते यदि उनका स्वास्थ्य इसकी अनुमति देता। आप स्वयं जानते हैं कि वह शय्याग्रस्त है। यदि मेवाड़ नरेश नहीं आ सकते थे तो कुंवर प्रताप तो आ सकते थे शांति वार्ता के लिए। कुंवर प्रताप और शहंशाह अकबर के संबंध अच्छे नहीं रहे, इसलिए हम कुंवर जगमाल को लाए शांति वार्ता के लिए। तो ठीक है, कुंवर जगमाल से ही बात करेंगे शहंशाह। जगमाल जाइए, शहंशाह अकबर से बात कीजिए। शहंशाह, अब जो बोलेंगे हम वो करेंगे शहंशाह। अरे हमें नहीं चाहिए मेवाड़ की गद्दी। अब भूल जाइए ना रानी माँ की बातों को, हम तो आपके दास जैसे हैं। अब हमारे प्राण मत लीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह। हम आपकी छत्रछाया में रह लेंगे, किंतु हमारे प्राण मत लीजिए। आचार्य जी, अंदर क्या हो रहा होगा? हमारी अंतरात्मा कह रही है भीतर जो कुछ भी हो रहा है उचित नहीं हो रहा। चित्तौड़ में भी राणा जी को शांति वार्ता के लिए बुला के अकबर ने आक्रमण कर दिया था। शहंशाह, हम जीवन भर आपके चाकर बन के रहेंगे, किंतु हमारे प्राण मत लीजिए, हमें छोड़ दीजिए। ऐसी बहादुर मां की, ऐसी कमजोर औलाद, पर खुरदार घबराओ मत, हम आपका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। ये लो हमारी तलवार, रख लो। ये हमारी और तुम्हारी दोस्ती की निशानी है, इसमें अब तक एक बूंद खून नहीं चखा है किसी का। इसका मतलब आपने हमें क्षमा कर दिया, आप नहीं लेंगे हमारे प्राण, आप हमें अपनी छत्रछाया में रख लेंगे। आप तो हमारे तसव्वुर से ज्यादा काबिल निकले। काबिल मतलब योग्य। हम योग्य, हम आपको मेवाड़ का राजा बना, राजा बना, राजा बना। हमें भय है भीतर कोई अनहोनी ना होगी हो, क्योंकि कुंवर जगमाल को भीतर गए बहुत समय हो चुका है। आचार्य जी, हम जाकर लाते हैं कुंवर सर, यदि कुछ अप्रत्याशित या अवांछित दिखा तो हम आपको तुरंत संकेत करें। देखिए कुंवर जगमाल आ गए।
अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से सुरक्षित लौटा है आप कुंवर जगमाल। फिर क्या बात हुई कुंवर जगमाल? अकबर के साथ हमारी संधि वार्ता सार्थक। शहंशाह, हमारी फौज आगरा की ओर रवानगी के लिए तैयार है, किंतु शहंशाह अब यह बात भी इतिहास में लिख दी जाएगी कि कुंवर जगमाल ने शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को उदयपुर की सीमा से बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया। मानसिंह, हाल और माजी में बहुत फर्क होता है। माजी की जब कोई बात हाल में कही जाए तो उसका तबसरा भी होता है। तबारीख में जब भी इस वाक्य का जिक्र आएगा तो इस वाक्य के जिक्र के साथ साथ यह भी दर्ज हो जाएगा कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर फकत सिर्फ जंग लड़ने में ही लाजवाब नहीं था, बल्कि सियासत के बारीक नुक्तों में भी माहिर था। वो उसे पता था कि एक बड़ी जीत हासिल करने के लिए एक छोटी सी हार को जज्ब करने वाले को शहंशाह आलम कहा जाता है। और यूं भी 10 कदम आगे बढ़ने के लिए अगर 1 कदम पीछे आया जाए तो उसे शिकस्त नहीं फतेह कहते हैं। मानसिंह, फतेह दर्ज जब भी किया जाएगा तो ये सब दर्ज किया जाएगा तवारीख में। मानसिंह, मुगल फौज वापस लौट रही है। वो जगमाल की, वो जगमाल की, वो जगमाल की। अपनी सेना वापस लेने के लिए उस मुगल ने आपसे कौन सा वचन लिया? अब जो भी बात हुई ताजी राज के कक्ष में होगी दादा भाई। बेगम साहिबा, शहंशाह आलम बिना किसी खून खराबे के लौट रहे हैं मेवाड़ से। वाकई? ये हुआ कैसे मुमकिन? मामूली सी मेवाड़ रियासत के सामने वहां तक जाके वापस लौट रही है शहंशाह मुगलिया की फौज? हौल बिला कुवत, फूल को छोड़ दिया, मेवाड़ को छोड़ दिया, कितने शर्म की बात है। ये शर्म की नहीं, शहंशाह हिंद के बड़प्पन की बात है। और हम तो हमेशा आपसे कहते थे कि एक दिन अवश्य शहंशाह हमारी बात समझेंगे। राजपुताने को केवल तलवार की नोक पे नहीं जीता जा सकता, पर ये बात आप नहीं समझेंगे। शहंशाह ने अपने इस बड़पन से केवल राजपुताने को ही नहीं, राजपुताने के हृदय को भी जीत लिया है। अच्छा, हमें तो निहायत ही बेहुदा लग रही है ये बात। मानवता और प्रेम की बातें ऐसी होती है सलीमा बेगम, आपको अनुभव नहीं है ना इन बातों का, इसलिए अटपटी लग रही है आपको मानवता भरी शहंशाह की बातें। खंभगणी दाजीराज, आशीर्वाद दीजिए अपने पुत्र को, क्योंकि आज हमने जो किया है वो कोई सोच भी नहीं सकता। जिस शहंशाह हिंद को आज तक कोई रोक नहीं पाया, जिस शहंशाह हिंद ने आज तक किसी को क्षमा नहीं किया था, उसे हमने विवश कर दिया दाजीराज अपनी बात मनवाने पे। वापस लौट रहा है अकबर अपनी पूरी सेना लेके, और वो भी बिना युद्ध किए। और यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमने कैसे अकबर को अपनी सेना लेके वापस भेज दिया, वो भी ऐसी विशाल सेना जिसको देख के अच्छे अच्छे राजपूतों के छक्के छूट जाते हैं। हाँ, काम थोड़ा कठिन था, किंतु हम भी राणा उदय सिंह जी के पुत्र हैं और राणा सांगा के पौत्र, लेकिन हम भी डटे रहे दाजीराज, तब तक डटे रहे
जब तक अकबर तैयार नहीं हो गया अपनी सेना को वापस लेके जाने के लिए। पर हुआ क्या वहां? होना क्या था? हमने कह दिया साफ साफ अकबर से कि जो कुछ भी छोटा मोटा हम आपको दे रहे हैं वो रख लो, और चुपचाप जिस पांव से यहाँ पे आए उसी पांव से आगरा वापस लौट जाइए, नहीं तो परिणाम बहुत भयंकर होगा। और फिर क्या मांगा उसने? क्या दिया आपने कुंवर जगमाल उसे? शहंशाह, अब जो बोलेंगे हम वो करेंगे शहंशाह, हम आपकी छत्रों छाया में रह लेंगे, किंतु हमारे प्राण मत लीजिए। हम आपको मेवाड़ का राजा बनाए। कुछ खास नहीं दाजीराज, बस छोटी मोटी बातों से निकाल लिया हमने काम। जैसे कि हमें ये कहना पड़ा कि उदयपुर को आप अपना शत्रु नहीं मित्र समझे, अर्थात हम अब मुगलों के विरुद्ध नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर जगमाल? शांत रहिए कुंवर प्रताप, पहले इन्हें अपनी बात तो कह लेने दीजिए। और वो मुगल मान गया इतना इतना कहने के बाद? दाजीराज, हम कोई चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी तो नहीं है कि हम इतनी सी बात बोलेंगे और अकबर हम पे भरोसा कर लेगा। हमें भी कोई ठोस सबूत देना पड़ा उन्हें अपनी मैत्री का। हमने भी उनसे कह दिया कि चित्तौड़ स्वीकार करता है आपकी प्रभुसत्ता। तो मानता कैसे नहीं दाजीराज? इसलिए कह दिया हमने कि अब से चित्तौड़ को मेवाड़ मुगल साम्राज्य की सीमा में माने। और उसे वापस लेने का भी कोई प्रयास नहीं करेगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो और क्या करते हम? हमने जो कुछ भी किया उदयपुर को बचाने के लिए किया, उदयपुर की प्रजा, उदयपुर की सत्ता और उसके भविष्य के लिए किया। और वैसे भी चित्तौड़ तो है भी नहीं हमारे पास, तो और क्या करते हम? चित्तौड़ हमारे पास नहीं है कुंवर जगमाल, इसका अर्थ यह नहीं दाजीराज कि मुगलों से चित्तौड़ वापस छीनने का जो हमारा सपना है क्या वो भी नहीं हमारे पास? आपने चित्तौड़ दे दिया मुगलों को। दाजीराज आप शांत हो जाइए, हम बात कर रहे हैं कुंवर जगमाल से, आप शांत हो जाइए। दाजीराज बैठ जी। हुकुम, इतना तनाव ठीक नहीं है आपके लिए। दाजीराज, हमने ये जो कुछ भी किया ना केवल आपके लिए, और आपको फिर से तनाव से दौरे पड़ रहे हैं। कुंवर जगमाल, आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। भूलिए मत, ये हमारे दाजीराज हैं, मेवाड़ नरेश हैं। सही भाषा का प्रयोग कीजिए आप। राणा जी, अगर यूं तटस्थ होकर देखा जाए तो उतना भी कुछ नहीं दे दिया है कुंवर जगमाल ने। आपकी अनुमति से हम यही कहेंगे कि राज्य की वर्तमान परिस्थिति को युद्ध टाल कर हमने कुछ खोया नहीं पाया है, बल्कि इस संधि को बुरे में अच्छे के रूप में भी देख सकते हैं। दाजीराज, हमारा अभी भी यही दृढ़ मत है कि इन परिस्थितियों में भी हम इस अपमानजनक संधि को अपना एकमात्र विकल्प नहीं मानेंगे, कदापि नहीं। आप सब भी जाइए, आप सब लोग हमें अकेला छोड़ दीजिए। ये क्या हो रहा है रानी माँ? जब से हमने मारवाड़ छोड़ा है एक के बाद एक दुर्भाग्य का कारण बनते जा रहे हैं हम। नहीं भूल,
ऐसी कोई बात नहीं है रानी माँ। जगमाल ने थान में से जाकर दे दिया चित्तौड़ उस मुगल को और उसे ये भी बता दिया कि वो उसे अपनी राज्य सीमा में समझ ले। ना किससे पूछा, ना बताया, ना कोई विचार विमर्श, बस दे दिया चित्तौड़। शांत प्रताप, शांत। यह अनियंत्रित आवेग मेल नहीं खाता आपके व्यक्तित्व के साथ। ना मेल खाता तो ना सही रानी माँ, किंतु बस अब हम चुप नहीं रहेंगे। चित्तौड़ हमारा अभिमान था, हमारा गौरव था, हमारे पूरे वंश का रानी माँ। हम अपने बल पर जीत सकते थे, किंतु जगमाल ने ऐसी मूर्खता की है कि। सही कहा आपने कुंवर प्रताप, अवश्य आप चित्तौड़ जीत सकते थे फिर से, परंतु अपनी नव विवाहिता को खोकर और अपनी नव विवाहिता के साथ अपनी मर्यादा, अपना सम्मान, सब कुछ गवा देते आप कुंवर प्रताप। आप कहना क्या चाहती हैं? यही शर्त रखी थी अकबर ने आपके भाई के साथ, चित्तौड़ या फिर भूल कवाए। भूल कवाए क्या? हाँ दादा भाई, यही कारण था जो हम तैयार हो गए अकबर को चित्तौड़ देने के लिए, क्योंकि अभी माँ का सम्मान तो सर्वोपरि होता है ना। कदाचित हमें अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस मुगल से कोई और मार्ग निकाला जा सकता था, फिर भी आपने जो किया उसके लिए हम आपको केवल धन्यवाद दे सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें फिर भी ऐसा लग रहा है कि जो हुआ वो उचित नहीं था। ये सब हमारे कारण हो रहा है, न जाने विधाता क्या क्या खेल खेल रहा है हमारे साथ और क्यों। शांत हो जाइए फूल, ये खेल चाहे आप यहां रहती या ना रहती। महारानी सा, महारानी सा, राणा जी को फिर से हृदय आघात आ गया है। अजब दे प्रताप को सूचना दीजिए। पहले यह बहुत हानि पहुंचा चुके हैं, हम चित्तौड़ की तरह उदयपुर को इन मुगलों के हाथ नहीं जाने देंगे। चाचियाज रुक जाइए, कुंवर प्रताप निकट बताइए हमारे। हमने भी उनसे कह दिया कि चित्तौड़ स्वीकार करता है आपकी प्रभुसत्ता। आपने चित्तौड़ दे दिया? यही शर्त रखी थी अकबर ने आपके भाई के साथ, चित्तौड़ या फिर भूल कवाए। भूल कवाए क्षमा कीजिए दादी राज, हमारे ही कारण आपको ये दिन देखने पड़ रहे, क्षमा कीजिए। अब और कितना समय है इनके पास? वैसे तो ये अचेत है इस समय, किंतु इनके शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे हैं। कुंवर सर, संभवतः चित्तौड़ का दुखद समाचार मर्मान तक आघात बन गया है इनके लिए। तो अब अधिक से अधिक
केवल दो दिन, केवल दो दिन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.